जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? मुझे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर 2023 में आज के दिन जो पेपर हुआ था नॉलेज एंड करिकुलम, उसका हम रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, कैसे प्रश्न आए थे, और आप मुझे कमेंट में फीडबैक बता दीजिएगा कि जो मैंने बताया था, जो मैंने क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। मैं नहीं कहूँगा ये बात, आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं, आपने चैनल के द्वारा पढ़ाई करी है, तो अब आपकी बारी है। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या ये सारे क्वेश्चन बताए गए थे या नहीं कराए गए थे। और जो नए बच्चे हैं जो अगली बार पेपर देंगे, उनके लिए ये सहायक होगा, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिविजन हो जाएगा। तो दोस्तों एज यूजल, जैसा कि कहा गया था आपसे कि क्वेश्चन तीन सेक्शन में होंगे, ये नॉर्मल सी बात है। सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन एक नंबर का था, और आपके 10 सवाल दिए गए थे, और 10 के 10 करने थे, 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। पहला सवाल क्या था दोस्तों, आपके नॉलेज एंड करिकुलम का जो पहला सवाल है उसको देख लीजिए। ये एक स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन पेपर भेजा है। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा क्या है। फॉर्मल एजुकेशन दोस्तों, औपचारिक शिक्षा के बारे में बताया गया था, जैसे शिक्षा के अभिकरण बताए गए थे कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उसी से संबंधित सवाल था। शिक्षा के औपचारिक शिक्षा क्या है भाई, या फिर शिक्षा का औपचारिक अभिकरण के बारे में। तो औपचारिक शिक्षा के बारे में भी आपने लिख दिया होगा, अगर अभिकरण पूछता तो वो भी आपने लिख दिया होगा। सिंपल से अगर मैं कहता चलूँ कि औपचारिक शिक्षा का मतलब वो जो शिक्षा हम ये मानते हैं कि स्कूलों के अंतर्गत प्राप्त होता है, फॉर्मल प्राप्त होते, एक निश्चित गुरु के द्वारा, एक निश्चित स्थान पे, एक निश्चित समय के द्वारा प्राप्त होती है, इस तरीके की शिक्षा को मानते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा मतलब शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन परत में चलती है, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं माँ बाप, ये सारी चीज़ें। तो हम इसको आंसर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बस ये देखते चलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन पूछे कैसे गए थे, और क्या आपने कर लिया होगा। मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सब ने ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर लिया होगा, बाकी कमेंट में आप हमें बताते हुए चलेंगे। दूसरा दोस्तों, विद्या की अवधारणा। देखिए ये बिल्कुल एज इट इज़ विद्या और अविद्या को अलग अलग पढ़ा गया था, तो यहाँ पे विद्या की अवधारणा पूछ दिया गया। इल्म क्या है भाई, इल्म के बारे में भी बताया गया। इल्म की परिभाषा लिखने के लिए कहा गया था, इल्म की एग्जैक्ट किसी ने परिभाषित नहीं किया, किसी दार्शनिक ने नहीं कहा। तो इल्म के बारे में जो भी आप जानते होंगे एक नंबर के सवाल में 25 शब्दों में, तो आपने आसानी से लिख लिया होगा। समुदाय का अर्थ दोस्तों, कम्युनिटी का अर्थ बिल्कुल आपने लिख लिया होगा। अगला सवाल था कि शिक्षा एक निवेश है, स्पष्ट करिए। इसको तो हमने एज इट इज़ देखा था इस क्वेश्चन को, और शिक्षा एक क्या है, एक निवेश है, एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में आपने बताया था, अब आपने लिख लिया होगा डेफिनेटली। जितने भी ये सारे सवाल हैं ना दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, किसी में से 2 सवाल आ गए, किसी में 3 सवाल आ गए, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। उपनिषदीय शिक्षा दोस्तों, उपनिषदीय शिक्षा की विशेषताएं बताइए, ये भी कराया गया था दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, उपनिषदीय शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये भी हो गया। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए दोस्तों, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ, प्रैग्मेटिज का शाब्दिक आपने यहाँ पे कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गए हमारे पास 7 सवाल हो गए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, 10 सवाल आपके टोटल पूछे गए थे, तो 10 सवाल में अगला आपसे सवाल पूछा गया था, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, डेमोक्रेटिक मूल्य क्या है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये वो सारे सवाल हैं जो कि आपने आसानी से कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई अब तक के क्वेश्चन पेपर को देख के, कि ये सारे वही सवाल हैं जो कि आपने आसानी से कर लिया होगा। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रिपीटेड सवाल है। शिक्षा के समाजशास्त्र के क्या अभिप्राय है दोस्तों, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, ये भी वो सारे सवाल है जो कि आपने किया हुआ। तो प्लीज़ कमेंट में बताते चलिएगा कि आपने पेपर कैसा दिया, कितने पेजेस लिखे आपने, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कैसा रहा आपका क्वेश्चन, और आपका अनुभव क्या रहा मेरे चैनल के साथ। अगर आप जुड़े हैं तो कैसा रहा आपका अनुभव मेरे चैनल के साथ, और अगर आप बताते चलेंगे तो जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन बी को 200 शब्दों में लिखना था, एक सवाल 8 नंबर का, एज यूजुअल जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है वही था, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा का, सेक्शन बी का जो पहला सवाल यानी दूसरा सवाल था, अविद्या के विषय में अद्वैत वेदांत एवं बौद्धिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट हमने नहीं करा था, हालांकि हमने वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन इनकी विचारधारा को अलग अलग पढ़ा था, लेकिन अविद्या के विषय में क्या था ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था। तो आपको देखिए 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना था, जैसे 2 यहाँ पे ये सवाल है, और अथवा करके था, जैसे अथवा करके था, तो चाहे आप वो कर लीजिए, चाहे और अथवा करके ये कर लीजिए। तो सभी बच्चों ने ये किया होगा कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा कला अपूर्ण है, विवेचना करिए। ये बिल्कुल वही सवाल है जैसे कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये बिल्कुल वही सवाल है जो कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन के आपस में संबंध बताइए, तो उसी चीज़ को बस इस तरीके से पूछ लिया गया। तो आपने डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन किया होगा। आपने कौन सा क्वेश्चन किया था एक बार बताते चलिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया था।
चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में था शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास में समुदाय की भूमिका। ठीक है, शिक्षा के मानवीय मूल्यों के विकास में समुदाय की भूमिका, तो द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपिंग ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन। ये भी अच्छे सवाल थे दोस्तों। ये वाला तो एज इट इज आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या है आधुनिक शिक्षा में इसका प्रकार प्रभावित करिए, किस प्रकार प्रभावित आदर्शवाद, ये एज इट इज करा गया सवाल है दोस्तों। आदर्शवाद आपने डेफिनेटली किया होगा, किया था कि नहीं किया था बताते चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके जब कमेंट पढ़ेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी कि जब आप मुझे बताएंगे कि जी सर ये सवाल आपने कराया था और ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछा था कि प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल है दोस्तों, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का वर्णन करिए। ये भी ऐसे सवाल हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अभी तक जो भी सवाल मिल रहे हैं, मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो डेफिनेटली आप लिख के आए होंगे और पेपर आपका अच्छा गया होगा, ये मैं अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूँ। बाकी तो कन्फर्मेशन आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही मिलेंगे। तो लिखते चलिए दोस्तों, कमेंट साथ ही साथ लिखते चलिए, लाइक करते चलिए वीडियो को दोस्तों, ताकि लाइक से भी समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर कैसे हुए हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर लिखते चलिए। अगला सवाल था प्रयोजनवाद, तो मुझे लगता है प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में से क्या आपने प्रकृतिवाद किया था, राइट, प्रकृतिवाद ही किया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आपने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। पांचवा का एक और अथवा में देख लेते हैं कौन सा सवाल आया था, क्या वो अच्छा सवाल था इससे अच्छा, तो वो क्या था, ओके ओके ओके, आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय। ये भी दोस्तों एज इट इज़ कराया गया था, मॉडर्नाइजेशन का आधुनिकीकरण के संबंध में शिक्षा की भूमिका दोस्तों, ये भी स्पष्ट कराया गया था। तो डेफिनेटली आपने मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर आए थे, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं जो अलग से आया था, बहुत ही शानदार पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। जितने भी बच्चे जुड़े होंगे सब ने किया होगा। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रतीक है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना था, उनके शांति निकेतन शिक्षा दर्शन के बारे में, और नीचे गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्य में व्यक्तित्व एवं सामाजिक उत्थान का समन्वय समझाइए। मतलब ये था दोस्तों, इसके मतलब गांधी जी की शिक्षा दर्शन के बारे में आप बता देते कि गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य क्या रखे हैं, व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा उन्होंने उनके अनुसार, तो ये आप लिख लेंगे। ये थोड़ा सा अलग से पूछा है लेकिन बात वही है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन। एक और हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद को, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पूछ दिए गए हैं, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपने कौन सा किया था कमेंट में बता दीजिए। हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है, मैंने आपके लिए इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो भी मैं पूछ रहा हूँ आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों में आपने कौन किया, कितने पेजेस में आपने टोटल लिखे, कैसे आपने पेपर शुरू किया, कैसा पेपर हुआ, ये सारी बातें मुझे कमेंट में चाहिए और ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ से अब सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में दोस्तों दो क्वेश्चन करने थे एज यूजुअल, एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। ठीक है, पहला सवाल पूछा था शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद जी के ने किस प्रकार योगदान दिया। ये आसान से सवाल थे, बट टू बी ऑनेस्ट इसको शॉर्ट में हमने देखा था, अरविंद जी के शॉर्ट में हमने देखा था दोस्तों, लेकिन लॉन्ग में नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग में पूछ दिया गया, तो बड़ा ही अच्छा सवाल था, मैं आशा करता हूँ आपने लिखा होगा। पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के प्रमाण प्रकारों का वर्णन और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए। ये तो हमने लिख के कहा था ना दोस्तों, चैलेंज करके कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बताइए आया था कि नहीं आया था, आप बताइए कि क्या ये क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं कराया गया था। तो डेफिनेटली दोस्तों कराया गया होगा, पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन, पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया, मैं बहुत खुश हूँ, जो भी बच्चे जुड़े थे बहुत अच्छे से उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, भावात्मक एकता से आप क्या समझते हैं, शिक्षा शिक्षक भावात्मक एकता के प्रति किस प्रकार सहायक होता है, तो ये एक थोड़ा सा नया सवाल था, इसको हमने केवल भावात्मक शिक्षा को देखा था, पूरा ऐसे प्रकार में नहीं समझा था, लेकिन अच्छा सवाल है। वेदांत शिक्षा दर्शन शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक विद्या तथा गुणों की विवेचना करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, अब आपको बताना है, अब आपको बताते हुए चलना है कि कैसा पेपर हुआ आपका, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितने पेजेस आपने लिखे और कैसा पेपर हुआ आपका। मेरा चैनल, मेरे वीडियोज़, मेरे पढ़ाने का तरीका, ये कितना सहायक रहा आपके लिए, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से आने वाले पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ जो मैराथन हमने करा था लास्ट टाइम, ऑल इन वन जो करा था, उसी से संबंधित सारे सवाल उसी से मिलते हुए आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस क्वेश्चन पेपर के साथ, और बहुत ही कंफर्टेबली मैं कह सकता हूँ कि आप सबका पेपर बड़ा अच्छा गया होगा इसमें। और अच्छी बात यह है ना कि इस सारे सवाल को आपने एज इट इज़ पढ़ा है, एज इट इज़ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही संतुष्ट हूँ, और आशा करता हूँ कि परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा गया होगा। बाकी कमेंट में आप बताते हुए चलिएगा कि नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर कैसा रहा, और मेरे बारे में बता दीजिएगा कि चैनल कितना सहायक रहा आपके लिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, कमेंट में रिप्लाई भी करूँगा इस बार।
ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले एग्जाम के लिए। टेंशन मत लीजिए, मस्त खाइए पिए, आराम करिए, और थोड़ा से आराम करने के बाद सेकंड पेपर का मैराथन देखते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलिए और जाके लिख लीजिए। अच्छा, अनुभव के आधार पर ये भी कह सकता हूँ कि आप जब वहाँ पे गए होंगे तो कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन को आप आराम से लिखते हुए चले जाएंगे। ये तभी होता है जब आपने समझा है। तो अगले बार आगे के पेपर के लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बस अपने दिमाग में समझ लेना है, दो चार जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है उसको याद करिए, बाकी बहुत अच्छे से पेपर होगा आपका सेकंड पेपर भी। घबराइए मत, चिंता मत करिए, टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, देखो बात ही खत्म नहीं हो रही, छोटी सी बात एक और कह दूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो अभी तक आपको भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ इस चैनल से या पढ़ रही हूँ क्या उतने से काम हो जाएगा कि, तो अब आप बताइए, आपने जो चैनल से देखा या वीडियोस देखा क्या उतना काफ़ी है आपके लिए, उसमें से आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन। इस चीज़ को एनालाइज़ करिए, फिर दोस्तों और लोगों को जोड़िए, दूसरों को बताइए। आपके जो भी साथी हैं अगर चैनल से नहीं जुड़े थे तो प्लीज़ एक काम कर दीजिएगा मेरी तरफ से, उनको बताइएगा कि मैराथन से ही सारे सवाल आए थे, उनको कोशिश करिएगा, उनको जोड़िएगा चैनल से, क्योंकि जैसे जैसे अच्छी टीम बनेगी हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। सो दोस्तों, बहुत शुक्रिया इस क्वेश्चन पेपर को मुझे भेजने के लिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे दी हैं, और बहुत शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, और बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़ा है इस चैनल से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य पेपर के रिव्यू के साथ। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट्स मैराथन पड़े हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, फ़ायदा उठाइए, आराम से समझ के जाइए और मस्त पेपर लिख के आइए, ठीक है। चलिए, आराम कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप सेकंड पेपर की तैयारी करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले पेपर के लिए।